क्षेत्र में कोरोना से संक्रमित लोगों के मन की भावनाओं को जानने, चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने और प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने कंट्रोल रूम के माध्यम से संक्रमित लोगों को फोन करने की बेहतर पहल की है। इस कंट्रोल रूम को नगराधीश की कोर्ट में स्थापित किया गया है और रोजाना 100 से ज्यादा लोगों को फोन किए जा रहे हैं। प्रशासन ने अपील भी की है कि कंट्रोल रूम से आने वाले फोन पर सही फीडबैक दें, ताकि फीडबैक के अनुसार स्वास्थ्य विभाग से सुविधा मुहैया करवाई जा सके। इस कंट्रोल रूम में एक मोबाइल नंबर भी एक्टिव करवाया गया है, जो बकायदा कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इन कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि कोरोना से संक्रमित लोगों से लगातार दूरभाष पर संपर्क किया जाए। कंट्रोल रूम से तकरीबन 100 लोगों से बातचीत की जा रही है और इन लोगों से फीडबैक लेकर स्वास्थ्य विभाग को कार्यवाही के आदेश भी दिए जा रहे हैं। वहीं पिहोवा से बब्बू चक्र पाणी का कहना है कि किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर कोरोना का संक्रमण हुआ और दिक्कत महसूस होने पर कोरोना का टेस्ट करवाया, जिससे रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी और उनको कोरोना पॉजिटिव होने का एहसास नहीं होने दिया। उधर डीसी कार्यालय के कर्मचारी संदीप का कहना है कि कोरोना के संक्रमण और फैलाव को रोकने के लिए लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें कोरोना वायरस के किसी प्रकार के लक्षण नहीं थे, लेकिन कोरोना टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उन्हें घर में ही आइसोलेशन में रखा गया, लेकिन घर में 14 दिन अलग रहे और परिजनों से भी दूरियां बनाकर रखी। थोड़ा सा परहेज करने पर कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई और अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। संदीप कुमार है, मैं डीसी ऑफिस कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ। मुझे दिसंबर में कोरोना हुआ था, उसके बाद मैंने खुद को होम आइसोलेटेड किया और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस थी उनकी पालना करी, जैसे सैनिटाइजर, मास्क, घर वालों से दूरी। तो धीरे धीरे मुझे रिकवरी हुई, तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस बीमारी में घबराएं बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। मैं बब्बू चक्र पाणी पिहोवा से बोल रहा हूं। मुझे कुछ दिन पहले कोविड हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, कोविड से बचने के लिए बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर मत जाएं, इससे ही आप कोरोना का बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।